दोस्तों यहां से सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबा लें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आयकर विभाग में भर्ती निकली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भर्ती निकली है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 9,300 से 34,800 सैलरी दी जाएगी, 4,600 ग्रेड पे होगा। टैक्स असिस्टेंट के लिए 5,200 से 20,200 सैलरी और ग्रेड पे 2,400 रुपये होगा। स्टेनोग्राफर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सैलरी सेम है, 5,200 से 20,200, ग्रेड पे स्टेनो के लिए 2,400 रुपये है और MTS के लिए 1,800 रुपये है। अप्लाई करने की इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2018 है, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी देख लेते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनो और MTS की ये भर्ती निकली है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। स्पॉट पर्सन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉट कोटा की ये भर्ती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है तो हमारे पेज को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर नोटिस या एप्लीकेशन फॉर्म की आपको टैब मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों इस टैब पर क्लिक करते ही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो गई। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर खाली पदों की संख्या, जैसे कि आयकर निरीक्षक के लिए 3 पद है, कर सहायक के लिए 7, आंसू लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए 1, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 4। सैलरी भी इनके सामने दी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दी हुई है। टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ से रीड कर सकते हो, एलिजिबिलिटी आप यहां से चेक कर सकते हो। एज अलग अलग पोस्ट के लिए यहां पर मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 27 और 25 और 30 इयर्स है, पोस्ट वाइज आप यहां पर देख सकते हो। उसके बाद यहां पर क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हो, स्पोर्ट एलिजिबिलिटी भी आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ गेम्स या स्पोर्ट यहां पर देख सकते हो, जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, पूरी गेम्स या स्पोर्ट की लिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। टोटल 15 वैकेंसीज हैं इनके लिए। उसके बाद यहाँ पर आप अप्लाई करने का तरीका देख सकते हो, सिंपली अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको इसी PDF में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आपको एक क्रॉप करना है और एड्रेस यहाँ पर सेंटर में ही दिया हुआ है, इस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट भरने के बाद में भेजना है। 31/10/2018 तक आप इस पर एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हो और 15/11/2018 जो जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार इंसलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कैंडिडेट है, वो 15/11/2018 तक शाम 5 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है इस पर अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन देख सकते हैं कि कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, पूरी आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस मिल रही है सिलेक्शन से रिलेटेड। आप ऐसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाओगे तो यहाँ पर नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ये पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म सभी पोस्ट के लिए आपको ये क्रॉप करना है। यहाँ पर आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो। इधर राइट साइड में आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करना है और उसी के नीचे सिग्नेचर करना है। यहाँ पर फुल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मेल या फीमेल, एड्रेस फिल करना है और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज, क्वालिफिकेशन, पूरी जानकारी आपको इसी फॉर्मेट में ऐसे ही भरनी है और भरने के बाद में जो एड्रेस मैंने बताया है उस एड्रेस पर आपको ये सेंड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशन इस रिक्रूटमेंट से मैच नहीं करती है, उसके लिए आपको डेली 4 गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पेज पर विजिट करके डेली 4 जॉब्स देख सकते हो और अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो।